चुका है। सुबह सोकर के उठते हैं 11 बजे, जब हाई लेते हैं 12 बजे, चाय आती है 1 बजे, और फिर वो कहते हैं कि दिन खत्म हो गया, बस दिन छोड़ दूं ना खत्म हो जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र मान है और वेस्टेज बिजनेस के अंदर मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं। और आज हम लोग जा रहे हैं एक वर्कशॉप करने जो कल से शुरू होगी क्राउन प्लाजा के अंदर। ये एक 5 स्टार की मेरी पहली वर्कशॉप है जो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। बहुत शानदार सेशन ये होगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसका व्लॉग भी हम लोग डालेंगे और जो लोग लाइव आ रहे हैं वो तो देखेंगे, बताएंगे आपको कि कितना मज़ा वो लोग इस प्रोग्राम से लेने वाले। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे नए डिसीजन जो आपको बहुत ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेंगे, बहुत सारे एजुकेशन पैटर्न, वो सारी चीज़ें 2 दिन की वर्कशॉप में होगी। रेजिडेंशियल वर्कशॉप है ये, कल सुबह से शुरू होगी और बाकी की जानकारी आपको होटल जा करके देता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज सेकंड डे हमारा क्राउन प्लाजा के अंदर। जस्ट अभी सो करके उठा हूँ और सोचा कि चलो हम वेलनेस के ऊपर काम करते हैं, तो आज थोड़ा सा कसरत हो जाए। और चलिए आज आपको मैं जिम का टूर कराता हूँ। मैं दिखाना भूल गया था कि एक बार बाहर का व्यू मैं अपने विंडो से दिखाता हूँ और उसके बाद आप देखिएगा कि यार सच में डायरेक्ट सेलिंग करने से ज़िंदगियाँ तो बदलती हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 3, 2, 1। सो बेसिकली सनराइज ईस्ट की तरफ है, मतलब मेरे बैकवर्ड्स में है, तो सनराइज पीछे की तरफ होगा, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन इधर की तरफ जो शाम का नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब जो कल मैंने सनसेट देखा था, अगर मैं कोशिश करूँगा उस सनसेट की क्लिप आपको दिखाने की, बहुत सुंदर सनसेट वो मुझे लगा और सच में मज़ा आ रहा है। तो मैं आपसे भी चाहूँगा कि अगली बार जब क्राउन प्लाजा की हमारी वर्कशॉप हो तो आप सभी रेडी रहें और जल्द से जल्द अपनी सीट्स को आप बुक कराएं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास। तो चलिए वर्कशॉप किस तरीके से होती है वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ।
की आज इस तरह के प्रोग्राम होते रहे। बता दो लोगों को कि आगाज हो चुका है। किसी साथी ने पूछा था कि क्या होगा अगर लोग इतने प्लान डेली दिखाने लगे, 2 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ परिवार में लोग हैं, इंडिया खत्म हो जाएगा, अगले महीने हम चाइना वाला पेट लेंगे, तीसरे महीने हम लोग मंगल पे ढूंढेंगे। पता क्यों नहीं होता ये सब? ये सब इसलिए नहीं होता दोस्त, क्योंकि सभी लोग प्लान दिखाते ही नहीं है। 2.5 करोड़ लोग वेस्टिज में है, लेकिन 2.5 करोड़ लोगों के अंदर वेस्टिज नहीं है। वेस्टिज में तो है 2.5 करोड़ लोग, लेकिन लोगों के अंदर वेस्टिज नहीं है। मुश्किल से 10% लोग हैं दोस्त जो कहते हैं दिल से, शिद्दत से, और जो फक्र महसूस करते हैं बोलने में कि वो वेस्टिज का हिस्सा है। हम ये कहते हैं कि बिजनेस आप अपनी स्वतंत्रता के अनुसार करते हो, और जहां स्वतंत्रता आ जाती है, फ्रीडम आ जाती है, वही हमारा मन करेगा कि नहीं करेगा, ये चॉइस भी आ जाती है ना। अगर आप जॉब कर रहे होते तो चॉइस भी नहीं आपके पास, आपको जाना पड़ता। इफ नॉट मी देन हू, सपने मेरे हैं पूरे कौन करेगा, फसल मुझे अपने खेत में चाहिए, हर कौन चलाएगा, मुझे चलाना पड़ेगा। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बहानेबाजी करते हैं, सुबह सो करके उठते हैं 11 बजे, जमाई लेते हैं 12 बजे, चाय आती है 1 बजे, और फिर वो कहते हैं कि दिन खत्म हो गया। दिन छोड़ दूँ ना, खत्म हो जाए, मुझे तेरी चिंता इस तरीके से। और फिर वो कहते हैं सर समय नहीं मिलता। पता क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम कुछ दिन के बाद एक चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक इंसान को कैद हो गई, सजा हो गई, उम्र कैद थी वो, और उम्र कैद इस तरीके से हुई कि लेडी थी बेसिकली वो, कि उसको टिल डेथ जेल में रखा जाएगा। तो राजा महाराजाओं के जमाने की बात है, वो जेल में प्रेग्नेंट थी एक्चुअली वो, तो उसको बेबी हुआ, फिर कुछ दिन बाद वो बुजुर्ग हुई, बच्चा भी बड़ा होता रहा, और वो फिर मर गई। बच्चा लेकिन बड़ा हो चुका था, बच्चा 18-20 साल का हो चुका था। तो राजा ने सोचा कि यार इसकी माँ की गलती थी, वो तो दुनिया में नहीं रही, बच्चे की क्या गलती है, तो हम इसको रिलीज कर देते हैं। तो बच्चे को रिलीज कर दिया, काल कोठरी में रखा था। अब विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही वो बच्चा बाहर आया, समाज की रोशनी में आया, वो वापस अपनी जेल के अंदर चला गया। समझ नहीं आया लोगों को कि पहला मुजरिम देखा है जो बाहर निकलने की बजाय वापस अंदर भाग रहा है। तो बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए, ऐसा क्यों हुआ? तो विद्वानों ने बताया कि महाराज इसको अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है, पहली बार जीवन में उजाला देखा है, डर गया। तो क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, माइंड को धीरे धीरे ट्विस्ट करना है। ये चीज ध्यान से सुनना, आप किसी भी आदमी का माइंड तेजी के साथ ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे, ब्रेक हो जाएगा।